नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब कह रहे से होंगे और हमें यकीन है कि अब हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआओं में भी याद रखे होंगे। आज हम लोग एक और नई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम लोग बनाएंगे चाइनीज चिकन के समोसे, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं माशाल्लाह। चलिए अपने शेफ की तरफ जानते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है और उसको कैसे बनाया जाता है। बनाने जा रहे हैं चिकन चाइनीज समोसे, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखो, चिकन समोसे के लिए मैंने समोसे की पट्टी ऑलरेडी तैयार कर ली, जैसे मैंने आपको मटन समोसे में बता चुकी हूँ कि कैसे हमें रेडी करनी है। इसमें हमें लगेगा शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च है, फ्रेंच बीन्स है, 8 से 10 फ्रेंच बीन्स लिए मैंने, गाजर है, इसको कद्दूकस कर लिया है मैंने, और इन दोनों का हमें बारीक काट लेना है। चिकन में लहसुन अदरक हरी मिर्च और नमक डाल के मैंने बॉयल किया है और उसे इस तरह से मैंने रेशे कर लिए है, बिल्कुल पानी हमें सुखा देना है। चारों सॉस लगेंगे हमें, यह है टमाटर सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और विनेगर। और जैसे कि चाइनीज़ में सिर्फ ये दो मसाले होते हैं ज़्यादातर, ये नमक और इसमें जाती है काली मिर्च। और ये मैंने पेस्ट बना लिया है समोसे रेडी करने के लिए, मैदे में सिर्फ पानी डाल के इसे अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और ये है बटर, 1 टेबल स्पून हम पहले बटर लेंगे। बताते इसे बनाने का तरीका, साथ हमारी चाय भी तैयार होगी माशाल्लाह, चाय के नाम दीवान है। जब पूरा हमें पिघलना नहीं है वरना फिर इसका जो कलर है ये काला जैसे हो जाता है, इसलिए देखो हम ये बटर में हम ऐड कर देंगे फ्रेंच बीन्स और गाजर, सॉरी फ्रेंच बीन्स और शिमला मिर्च पहले हम ऐड कर देंगे कि थोड़ी देर से गलती है, ये थोड़ी फ्राई हो जाए तब हम गाजर ऐड करेंगे। थोड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा, मैं ऐड कर देती हूँ इसमें गाजर। गाजर को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये जो वेजिटेबल्स है ये अच्छे से गल जाए हमारे। देखो, ये अच्छे से हमारे सब वेजिटेबल्स हैं जो सॉफ्ट हो चुके हैं, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जो चिकन है, हमें ये ऐड कर देना है इसमें। 200 ग्राम चिकन है ये। चिकन हमने इसमें ऐड कर दिया, चिकन को बॉईल करते हुए हमें लहसुन अदरक नमक और हरी मिर्च डाल के इसे बॉईल करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। चिकन डालने के बाद में जो चारों सॉस है, एक तो टमाटर सॉस, थोड़ा सा विनेगर, रेड चिली सॉस, सब हमें 1 टीस्पून यूज़ करना है, और ग्रीन चिली सॉस के बाद नमक, जो फ्लेम है हमें स्लो कर देना है सब डालते वक्त। काली मिर्च पाउडर हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम को मैं वापस तेज कर देती हूँ, हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, 5 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम में पकाया है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और फिर हम उसे फिलिंग करने बताते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस आ रहे हैं तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब मैं आपको फोल्डिंग करना बता देती हूँ। ये हमारी रेडी है, इसकी जो रेसिपी है ये बनाने की मटन समोसे में हमारी दी हुई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, रेडीमेड भी मिलती है समोसे की पट्टी। इस तरह से हम जो साइज़ चाहिए हम काट देते हैं, मैंने 1 के 3 कर दिए हैं ये।
बनाना बताती हूँ। जो ये सेकी हुई पट्टी है ये हम अंदर साइड रखेंगे और ये कच्ची को बाहर साइड, यहाँ पे हमें मसाला डालना है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है, इस तरह से एक साइड हमें इसको इस अंगूठे से दबा कर इसे इस तरह से फोल्ड करना है, फिर यहाँ से दबा के हमें ऑल्टरनेटिव इस तरह से फोल्ड करना है। फिर यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे में, मैंने पानी डाल के इसे हमें इसे चिपका देना है। बिल्कुल हमारे जो समोसा है वो रेडी है, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए ये, वरना तेल में मसाला छूट जाएगा। इस तरह से मैं सारे समोसे जो है वो रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको हम फ्राई करके और इसका रिव्यू करेंगे। अब इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा बनता है। समोसे किसको पसंद नहीं होता, इसको चाय के साथ भी कर सकते हैं। स्नैक्स समोसे, नॉन वेज स्नैक्स किसको पसंद नहीं होता, हमें तो बहुत पसंद है, चाय के साथ में चलते फिरते भी खा लेते हैं। अच्छे से हमारे, और जो घर की जो पट्टी होती है ना, जो घर के हम बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी बस मेहनत लगती है, मेहनत लगती है इसमें। देखिए सब हमारे समोसे रेडी है, हम फ्राई कर देते हैं। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर देते हैं। अगर आपको लगे कहीं से खुले हैं तो आप इसे चिपका सकते हो वापस। हमें इसे बहुत ही मीडियम फ्लेम में, स्लो फ्लेम में फ्राई करना है। अगर हम इसे स्लो फ्लेम में फ्राई करते हैं तब ये बहुत ही टाइम तक क्रिस्पी रहते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। देखिए हमारे फ्राई हो चुके, कितना अच्छा कलर आया इसका। ये हमारे चिकन चाइनीज समोसे तैयार है, अब हम लोग ट्राई करेंगे। और हमको शौकीन है, हम तो माशाल्लाह सब चीज ट्राई करते हैं। चलो हम लोग ट्राई करते हैं इसको। जो चाइनीज चिकन समोसे वो तैयार है माशाल्लाह, देखिए आप कितने जबरदस्त। और सबसे ज्यादा बार सबसे अच्छी बात है काफी क्रिस्पी है माशाल्लाह, देखिए आप, और सब कुछ परफेक्ट शेप में समोसे। अब हम इसको ट्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमें कैसे लगे। इसके अंदर स्टफिंग है, वेजिटेबल की है स्टफिंग है, चिकन है, सब सॉस से मिक्स किया हुआ इन्होंने, जो अंदर की जो फिलिंग थी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, जो 300-400 सॉस इन्होंने यूज़ किए, विनेगर चिकन वेजिटेबल सब का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी मुझे लग रहा है माशाल्लाह, तो मेरे फेवरेट हैं। और हम लोग तो बस खाते रहते हैं ऐसे, चलते फिरते भी खा लिया, चाय के साथ खा लिया। तो बस आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और सबसे बड़ी बात बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। चलिए हम लोग यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। आप हमारी दुआ, हम आपके लिए दुआ करेंगे, और अपनी सेहत का ध्यान रखें, और शादाब टॉक्स को देखते रहें, और आगे भी हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।